नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले कामिका एकादशी व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। साल 2023 में कामिका एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे, जो तिथि है वो कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, कामिका एकादशी व्रत का दोस्तों क्या महत्व होता है, किन लोगों को कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा आराधना में क्या विशेष चीजें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए, कामिका एकादशी के दिन दोस्तों हमें क्या दान पुण्य के कर्म करने चाहिए, और कुछ ऐसे खास उपाय जो कामिका एकादशी के दिन अगर हम करते हैं भगवान श्रीहरि विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो ये सभी जानकारियां मैं आपके साथ इस एक वीडियो में शेयर करने जा रही हूं। वीडियो को संपूर्ण जानकारियों के लिए अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं और इस साल यह एकादशी 13 जुलाई गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता के तुलसी पौधे के पूजन का बहुत विधान है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने से और विधिवत पूजन करने से व्यक्ति हर तरह के जाने अनजाने में किए पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कामिका एकादशी का व्रत रखने से पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपकी भी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको भी कामिका एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन आप साल में कुछ ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, आप उन एकादशी व्रतों को रख सकते हैं। अब जो शुभ मुहूर्त है कामिका एकादशी का वो जान लेते हैं, तिथि का प्रारंभ हो रही है ये जान लेते हैं। तो एकादशी की तिथि 12 जुलाई को शाम को 5:59 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 13 जुलाई को शाम को 6:24 तक रहेगी। तो दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो 13 जुलाई को, जो भी व्रती व्रत रखना चाहते हैं वो 13 जुलाई को ही कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे। दोस्तों, अब कामिका एकादशी के व्रत में अन्य एकादशी व्रतों की तरह ही पारण के समय का जो शुभ समय होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो पारण का शुभ समय भी आप नोट कर लें। कामिका एकादशी का पारण आप 14 जुलाई को करेंगे सुबह 5:33 से सुबह 8:18 तक। इस समय अवधि के बीच में आप कामिका एकादशी व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब कामिका एकादशी की पूजा विधि कैसे रखनी है आपको यह भी जान लेते हैं। तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह के अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो लेंगे। इसके बाद स्नान कर लेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लेंगे। देखिए, एक लकड़ी का पाटा हो अगर आपके घर में तो बहुत अच्छा है, आप पाटा बिछाएं, उस पर पीले वस्त्र लगा दें और उसके बाद ही भगवान श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी की मूर्ति हो तो मूर्ति की स्थापना करें, फोटो है तो फोटो की स्थापना ना करें। दोस्तों, इसके बाद भगवान का भी आज के दिन आप जलाभिषेक कर सकते हैं, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीली माला अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, चंदन भी भगवान श्री हरि विष्णु को हमें पीला ही लगाना चाहिए, आप पंचामृत अर्पित करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत अगर तुलसी दल छोड़कर अर्पित करते हैं इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ दोस्तों, जो सीजन की फल हो, मिठाइयां हो, पीली मिठाइयां अर्पित करें, फल भी पीले अर्पित करें, इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दोस्तों, पूजा में हम सभी जानते हैं घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए, खास तौर पर जब हम भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हों, और उसके बाद में आपको उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, जितना हो सके उनके मंत्रों का जप करें। मंत्र भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। और इसके बाद आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आप भगवान की आरती उतारें। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत के दिन हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में जैसा कि हम जानते हैं फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नियम बनाकर करें कि एक या दो समय ही आप दिन में फल ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से खाने के नियम है, अन्न का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी
प्रत्येक व्रत में चावल या चावल से बनी हुई आप व्रत में हैं तो किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी अन्न से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना है, ये तो है ही है। साथ ही आपके परिवार में जो अन्य सदस्य हैं वो भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करें तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इसके बाद भगवान के मंत्रों का, जैसा मैंने बताया कि मंत्रों का जप करना चाहिए, तो मंत्र कौन कौन से हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को जप सकते हैं, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को जप सकते हैं आप, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र को जप सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद है भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त, उन मंत्रों का आज ज्यादा से ज्यादा जप करें। आज के दिन अपनी किसी भी विशेष कामना के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत फलकारी आपके जीवन के लिए होता है। अब दोस्तों कामिका एकादशी पर तुलसी पूजा का बहुत महत्व है, तो आज के दिन आपको कामिका एकादशी के दिन, देखिए तुलसी में जो ये खास उपाय है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एकादशी के व्रत में तुलसी माता में हम जल अर्पित नहीं करते, लेकिन क्योंकि आज के दिन गुरुवार का दिन है, आज के दिन आप अगर माता तुलसी को दूध से सिंचित करते हैं और अपने घर में जो भी आर्थिक अगर किसी भी तरह की समस्या परेशानी है या धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं, आपकी ये कामना माँ तुलसी जरूर पूर्ण करती है। तो आप दूध से सिंचित करें, शुद्ध घी का दीपक आज आपको जरूर लगाना चाहिए तुलसी माता में, और साथ ही आपको करनी है परिक्रमा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए माँ तुलसी की 11 परिक्रमा शाम की पूजा में, जब शाम को आप दीपक लगा रहे हैं तो जरूर करें, इससे आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आज के दिन पीपल के वृक्ष में भी आपको पूजन जरूर करना चाहिए, तो आज पीपल के वृक्ष में आप जल में थोड़ा दूध और मीठा मतलब शक्कर मिलाकर पीपल के वृक्ष को संचित करें, इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है। पीपल के कणकण में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है, और आज एकादशी की तिथि में अगर हम विशेष पूजा पीपल वृक्ष की भी करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है। तो इस प्रकार से कामिका एकादशी का व्रत आपको धारण करना है। दोस्तों ये सभी जानकारियां उम्मीद करती हूं कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों कामिका एकादशी का व्रत अगर आप अन्य व्रत नहीं करते हैं तब भी धारण कर सकते हैं, जो तुलसी माता के निमित्त मैंने उपाय बताया है, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए तुलसी पूजन हम रोज करते हैं, तो रोज की पूजा में जैसे तुलसी माता को हम जल से सिंचित करते हैं, लेकिन आज कामिका एकादशी के दिन आपको दूध से सिंचित करना है, क्योंकि ये गुरुवार का भी दिन है, तो ये बहुत ही अच्छा एक उपाय है कि अगर आप आज के दिन माता को दूध से सिंचित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवारजनों तक इसे शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।